जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इजराइल की अब खैर नहीं, हमस और लेबनान के लड़ाके एक साथ हमला करने की कर रहे हैं कोशिश तैयारी। लेबनान के संगठन हिजबुल्ला ने बॉर्डर पर 50,000 रॉकेट इकट्ठे कर लिए हैं और अब बताया जा रहा है कि हमस के लड़ाके और लेबनान के संगठन हिजबुल्ला के लड़ाके एक साथ इजराइल पर हमला करेंगे। और इसराइल के बॉर्डर पर लेबनान के संगठन हिजबुल्ला ने 50,000 रॉकेट इकट्ठे कर लिए। आखिर पूरी खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इसराइल ने हमस के समर्थन में रॉकेट हमला करने वाले लेबनान संगठन हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर हमला कर दिया है। इस बीच हिजबुल्ला ने बयान जारी कर दावा किया है कि उसने इस हफ्ते की शुरुआत में इजरायली गोलीबारी में अपने लड़ाकों की हत्या के जवाब में इजरायली ठिकानों पर सटीक गोलीबारी की है। हिजबुल्ला ने धमकी देते हुए कहा है कि वे इजरायल के प्रति निर्णायक प्रतिक्रिया के लिए तैयार है। बुधवार को इजरायली शहर अरब अल अरामाश के पास एक सैन्य चौकी को एंटी टैंक मिसाइल से एक निशाना बनाए जाने के बाद इजराइल सेना ने कहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल इस वक्त गाजी पट्टी में सक्रिय हमस के खिलाफ बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। ऐसे में लेबनान सीमा पर हिजबुल्ला के मोर्चा खोलने से उसका ध्यान भटकने की संभावना है। आखिरकार ये कौन है हिजबुल्ला, उसके बारे में जान लेते हैं। हिजबुल्ला लेबनान का कट्टर शिया आतंकवादी समूह है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था तब हिजबुल्ला संगठन अस्तित्व में आया था। हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्ला की स्थापना 1985 में हुई थी, तब से लेकर अब तक हिजबुल्ला के लड़ाके इजराइल पर हमला करते रहते हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्ला के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए। घोषणा पत्रों के मुताबिक हिजबुल्ला का मकसद सशस्त्र संघर्ष के जरिए इजराइल को खत्म करना और अमेरिका अतिपथ और पूर्व पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना है। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्ला के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हैं। अब जान लेते हैं कि लेबनान का संगठन हिजबुल्ला का जन्म कैसे हुआ। हिजबुल्ला का जन्म की कहानी इजराइल की स्थापना से भी पुरानी है। 1943 में लेबनान में शिया, सुन्नी और ईसाइयों के बीच राजनीतिक समझौता हुआ था। इसके तहत सुन्नी मुसलमानों को प्रधानमंत्री, ईसाइयों को राष्ट्रपति और शिया मुसलमानों को संसद स्पीकर का पद दिया गया था। ऐसे में लेबनान का प्रधानमंत्री केवल सुन्नी मुसलमान ही बन सकता था, वहीं राष्ट्रपति का पद ईसाई के लिए आरक्षित हो गया है और शिया मुस्लिम सिर्फ संसद का स्पीकर बन सकता था। ये समझौता करीब 25 साल तक चला, लेकिन फिलिस्तीन से सुन्नी मुसलमानों के आने के कारण लेबनान में धार्मिक समीकरण गड़बड़ाने लगे। यही कारण था कि शिया मुसलमानों के लेबनान की सत्ता से बेदखल होने का डर सताने लगा। लेबनान की सत्ता से बेदखल होने के डर से 1975 में लेबनान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच भीषण गृहयुद्ध शुरू हो गया। इस दौरान फिलिस्तीनी लड़ाके मौके का फायदा उठाकर दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमला करने लगे। इसके बाद 1978 में जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान 1979 में शिया बहुल ईरान में सरकार बदली और उसने लेबनान में कमजोर पड़े शियाओं को हथियार देना शुरू कर दिया। इस कारण लेबनान में एक बार फिर शिया मुस्लिम मजबूती से उभरे और उन्होंने हथियारों के दम पर लेबनान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। हिजबुल्ला 1982 में पहली बार अस्तित्व में आया। हिजबुल्ला का अर्थ अल्लाह की पार्टी है। इसमें लेबनान के सताए हुए शिया लड़ाके भर्ती हुए और ईरान ने उन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जल्द ही हिजबुल्ला का नाम मध्य पूर्व में शिया मुसलमानों के सबसे बड़े विद्रोह संगठन के रूप में जाना जाने लगा। 1985 में हिजबुल्ला ने घोषणा पत्र जारी करते हुए लेबनान से पश्चिमी ताकतों को निकाल बाहर करने का ऐलान कर दिया। इसमें इजराइल की तबाही और ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के प्रति सम्मान की बातें भी लिखी हुई थी। अब जान लेते हैं कि हिजबुल्ला के पास कितने हथियार हैं, जिसने इजराइल के बॉर्डर पर 50,000 रॉकेट खड़े कर दिए और हमस का साथ देने का ऐलान किया है। इजराइल डिफेंस
फोर्स का कहना है कि हर साल हिजबुल्ला को करीब 70 करोड़ डॉलर से ज़्यादा फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ईरान हिजबुल्ला को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला के शस्त्रागार में 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें से कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं जो पूरे इसराइल तक मार करने में सक्षम हैं। हिजबुल्ला के पास एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है ये पूरी वीडियो देखने के बाद, अगर हमास और लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला एक साथ हमला इसराइल पर करते हैं, क्या इसराइल के लिए फिर खतरे की घंटी है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।